उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात ठाकुर जी के महाभिषेक के बाद मंगला आरती के समय भगवान की एक झलक पाने के लिए मची भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की दबकर मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। तो वहीं इस हादसे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नोएडा सेक्टर 99 की रहने वाली निर्मला देवी और रुक्मिणी विहार कॉलोनी निवासी राम प्रसाद विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और शनिवार सुबह शवों को लेकर घर चले गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक श्री बांके बिहारी मंदिर में जिस समय भगदड़ मची उस समय जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और नगर आयुक्त अनुनय झा सहित भारी पुलिस बल वहां मौजूद था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि भगदड़ मचते ही पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकालना शुरू किया। इस हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को वृंदावन के रामकृष्ण सेवा मिशन, ब्रिज हेल्थ केयर और 100 शय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुबे के अनुसार मंदिर में स्थिति अब पूरी तरीके से सामान्य है और श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।